नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया दंगल का। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां अभिनेत्री कंगना रनौत वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा। शिवसेना और कंगना दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और इस वक्त कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रही हैं। इस समय भी कंगना और राज्यपाल की मुलाकात चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत अब से करीब 40 मिनट पहले अपनी बहन रंगोली के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। कंगना रनौत इस समय राजभवन के अंदर मौजूद हैं। सवाल ये कि सरकार बनाम कंगना की ये लड़ाई आखिर कब खत्म होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ना तो कंगना रनौत के मुद्दे पर उन्होंने कुछ कहा और ना ही महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के मामले पर उद्धव ठाकरे के मुंह से कोई बात निकली। उनकी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों को उम्मीद थी कि वो इस बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन उनकी बातों में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं आया। लेकिन कंगना रनौत आज पहुंच गई हैं मिलने के लिए राज्यपाल से, और 45 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका है कंगना की यह मुलाकात इस समय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ चल रही है। सो आई हैड अ मीटिंग विद हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड, और ये मेरे भाग्य है कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो सुना आपने कंगना रनौत को, वो बता रही है मिलने के बाद राज्यपाल से कि उन्होंने राज्यपाल को जानकारी दी उनके साथ क्या हुआ है, और अब वो कह रही हैं कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उस पर मैं न्याय की उम्मीद लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिली हूं। एक आम नागरिक के नाते आज मैं राज्यपाल से मुलाकात करने आई थी। ये बात कंगना रनौत ने कही और कहा है कि मुझे उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा। राज्यपाल के साथ करीब 1.25 घंटे की उनकी मुलाकात रही। इस मुलाकात में जो बातें उन्होंने राज्यपाल से की उसके बारे में निकलकर उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है और कहा है कि राज्यपाल को मैंने विस्तार से बताया मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी है और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। एक बार फिर सुनवाते हैं कंगना रनौत का बयान बाहर निकलने के बाद, क्या बोली कंगना। मीटिंग विद हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियाँ हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड, और ये मेरे भाग्य है कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो मुझे बेटी की तरह सुना, कंगना रनौत कह रही है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मैं बताने आई थी, शिकायत करने आई थी एक आम नागरिक के नाते, मैंने उनके सामने अपनी बात रखी है मेरे साथ जो जो अन्याय हुआ। कंगना कह रही है कि मुझे बेटी की तरह सुना उन्होंने,
मुझसे सहानुभूति जताई और मैं उम्मीद करती हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। राज्यपाल से मैंने न्याय की मांग की है, मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। ये शिकायत लेकर कंगना रनौत अभिनेत्री पहुंची थी राज्यपाल महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी के पास। उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी और वहां से मुलाकात करने के बाद कंगना ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि अंदर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। कंगना बता रही हैं कि उनकी बात को सुना गया और साथ ही साथ अब वो उम्मीद जता रही हैं कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, उनको न्याय मिलेगा। उनका कहना है कि मैंने राज्यपाल से न्याय की मांग की है। एक बार फिर से आपको कंगना का बयान सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज मौजूद है दंगल में। सुनिए क्या कहा कंगना ने। सो आई हैड अ मीटिंग विद हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। सुना आपने कंगना रनौत को, कह रही है कि मैं उम्मीद करती हूँ मुझे न्याय मिलेगा। मैंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से एक आम नागरिक के नाते मुलाकात की, उन्होंने सहानुभूति पूर्वक मेरी बात को सुना है। मौसमी सिंह हमारे साथ लाइव आ गई इस समय। कंगना रनौत राज्यपाल के पास पहुंची मौसमी और जो बात उन्होंने नहीं कही वो ये कि मैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना की शिकायत लगाने गई थी। अब देखना है कि राज्यपाल क्या करते हैं इस पर। बिल्कुल, आपने सुना रोहित, उन्होंने क्या बोला। अभिनेता कंगना बीते कुछ दिन नेता कंगना बन गई थी और जब तक वो राजभवन पहुंची तो वो नागरिक कंगना बन गई थी। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया और बोला कि बतौर नागरिक वो मिलने आई थी। आप देखिए उन्होंने बोला कि मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। कंगना का एक डायलॉग याद होगा आपको, उन्होंने बोला था मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, अपने एक पिक्चर में बोला था, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं कंगना धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं, जिस तरह से बाहर कर रही है लगातार उसने मुसीबत खड़ी कर दी है शिवसेना के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए शिवसेना को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। दूसरा, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि सपने देखने और सपने सच होने में बहुत फर्क होता है, ये उनके गैंगस्टर पिक्चर का एक डायलॉग था। और उनके सपने जब चकनाचूर हुए हैं तो कंगना एक घायल खिलाड़ी की तरह हार मानने को तैयार नहीं है। वो इस गेम को अब पूरी तरह से फ्रंट फुट पे मास्टर ब्लास्टर पॉलिटिशियन एक्टर और सिटीजन के तौर पर खेल रही हैं। अभी कंगना बाहर नहीं निकली है रोहित, यही इसी गेट से वो भीतर गई थी, हालांकि ये एंट्री गेट है, देखना है कि क्या इसी गेट से वो बाहर निकलती है। पर आपने देखा कि बतौर अपनी मीटिंग के बाद बकायदा कंगना ने ये एक पॉइंट रजिस्टर जरूर किया अपना बयान देके। एक मौसमी वापस आते हैं, देखिए दीवार पे चढ़ना पड़ता है कई बार, तस्वीर कोई छूट नहीं जाए उसके लिए, और मौसमी वहां से आपको पूरी जानकारी दे रही है, हर तस्वीर दिखा रही है, आगे भी लाइव तस्वीर आपको दिखाती रहेंगी। आज बहस थी दिल्ली दंगे पर, लेकिन अब हमारे दर्शकों को बोनस मिलेगा, बोनांजा मिलेगा, क्योंकि दो बहस देखने को मिलेंगी। शुरुआत में कुछ देर कंगना की बात होगी और उसके बाद दिल्ली दंगे की बात करेंगे। आशुतोष गौरव भाटिया दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त है, फटाफट उनसे एक एक क्विक कॉमेंट ले सकते हैं हम कंगना रनौत पर। गौरव भाटिया हमारे दर्शक हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे अभी अभी एक SMS किया है, वो कह रहे हैं कंगना के हाथ में दो कमल के फूल भी दे देते, यही कसर रह गई बस अब। अरे रोहित जी, पहली बात तो कंगना जी ने खुद कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन कमल के फूल देना तो ठीक है, ये लोग तो हाथ में पत्थर और पिस्तौल दे देते हैं, क्या उचित है क्या नहीं ये दर्शक देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, इनके दोगले चेहरे को उजागर करना बड़ा आवश्यक है,
अगर शाहीन बाग में 100 दिन तक एक विरोध चलता रहे और सड़क बंद हो जाए तो वो शेरनी है, लेकिन कंगना रनौत के लिए अपशब्द कहे जाए, उनको हरामखोर कहा जाए और वो जवाब दे दे करारा, तो कहते हैं कि ये गलत है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला का सम्मान बना रहे। आग लगाते हैं खुद संजय राउत और उसके बाद जल जाते हैं तो कहते हैं मैं जल गया, बर्नौल भी नहीं मिलता मुझे। तो रोहित जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कंगना जी एक नागरिक की तरह अगर राज्यपाल से मिलने जाती हैं तो ये उचित भी है, न्यायसंगत भी है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में ये राज्यपाल का दायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि सरकार संविधान से चले। और यहाँ पे जो हमारे साथी, अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप संवैधानिक व्यवस्था को, संविधान की व्याख्या को बेहतर तरीके से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होने के नाते, अगर उनको राज्य की सरकार से शिकायत थी, एक बार उद्धव ठाकरे से समय मांग लेती, उनसे कह देती कि एक नागरिक के नाते मैं आपके पास आना चाहती हूं, या वो राज्यपाल से इसलिए मिलने गए क्योंकि उनको शिकायत ही उद्धव ठाकरे की करनी थी? रोहित जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उद्धव ठाकरे नहीं इदी अमीन हो गए हैं। अभी एक पूर्व नेवल ऑफिसर के साथ क्या हुआ सबने देखा है, कंगना रनौत के साथ जो हुआ 24 घंटे में उनका आशियाना और घर गिरा दिया गया। तो मैं कहता हूं उद्धव ठाकरे क्या फोन नहीं घुमा सकते हैं? इतने बड़े हो गए हैं, जनता के सेवक नहीं है वो, रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है तो इसी तरह की सोच आती है कि कंगना रनौत मुझे फोन करेंगी तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं मातोश्री की जगह शरद पवार के यहां मत्था टेकूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं शिवसेना को सोनिया सेना बना सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंगना रनौत कौन है? भारत की एक बेटी है, वो मुझे फोन करेंगी तब मैं जवाब दूंगा? ये तो बहुत ही दुखद बात है। आशुतोष जी उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो चाहते तो चार लाइन बोलकर इस पूरे मामले को, उनकी जो शाम की मुलाकात तय थी राज्यपाल के साथ कंगना रनौत की, डिफ्यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नहीं, वो क्यों करते हैं? उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अपनी जगह पर, उनकी अपनी पॉलिटिक्स सोसाइटी सूट करता है। लेकिन अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, 30 साल पुराने अपने दोस्त के बारे में जिस कटु भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो अच्छा है। ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ किस तरीके से आपका बर्ताव होता है अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं होते। मैं खाली इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही शिवसेना है जिसने जिस उत्तर प्रदेश के सर, और बिहार के तो लोगों साल में बिहार के लोगों को जिस पीछे लात मारने लगे थे लोग। मैं ये कह रहा हूँ, ये वही, एक सेकंड गौरव जी प्लीज, बीच में वो आपके बीच में नहीं बोले, वो सुनते रहे गौरव जी आपकी बात को। ये वही शिवसेना है जिसके साथ बीजेपी कंधे से कंधा मिला के बैठती थी और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जमकर पिटाई होती थी। वहां पे स्कूटर चलाने वालों की पिटाई होती थी, वहां पे रहने वालों की पिटाई होती थी, वहां गरीब मजदूरों की पिटाई होती थी। तब बीजेपी को शिवसेना के अंदर भगवान नजर आता था और उनको लगता था कि यही दरअसल महाराष्ट्र का वो है। तब उनको उत्तर प्रदेश के लोगों का दर्द याद नहीं आता था, तब उनको बिहार के लोगों का दर्द नहीं याद आता। ये वही शिवसेना है जिसने ब्रैगन स्टेडियम में जाकर पिच को खोद दिया था। तब मैं कहता हूं कि आज आप कुछ शिवसेना के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं तो जरा अपना 30 साल का इतिहास भी देख लीजिए। जहां तक कंगना की बात है तो कंगना की पूरी की पूरी सहानुभूति हो सकती है, बदले की भावना के साथ उनके घर के एक हिस्से को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा गया, ये भी सच्चाई है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जो स्क्रिप्ट कंगना रनौत कर रही है कि उखाड़ सको तो उखाड़ दो, अगर ये भाषा अगर कंगना रनौत की एक महिला की अगर है तो फिर अगर शिवसेना तो बहुत आगे है अपनी भाषा के सौंदर्य में और भाषा का, क्योंकि उन्होंने कहा उखाड़ सको तो उखाड़ लो, तो इसलिए उखाड़ दिया, अखबार में छापना जायज आपके हिसाब से? मैं कहता हूँ कि शिवसेना की जो भाषा है वो शिवसेना के अतीत को देखते हुए जब बीजेपी उनके कंधों पर सवार हुआ करती थी उसकी तुलना में बहुत सभ्य भाषा है। अभी गौरव से ये सवाल ले रहा हूँ, गौरव बोलना भी चाह रहे हैं उस पे, लेकिन बीच में मैंने आपसे एक बात कही, आपने उसको अनदेखा कर दिया। आपने कहा 30 साल के दोस्तों के बारे में ऐसे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप जिस पार्टी से आए सर वहां तो 3 साल में पिछवाड़े पे लात पड़ने लगी थी, आपको 30 साल का खराब लग रहा है? इसीलिए तो मैं उस पार्टी में हूँ ना, इसीलिए उस पार्टी में नहीं, और उसके बाद मैं पार्टी बदल के दूसरी पार्टियों में नहीं गया हूं। तो उनसे पूछो जो पार्टियां बदला करते हैं। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि राजनीति का संस्कार अलग होता है? स्वीकार कर रहे हैं ना कि राजनीति का संस्कार अलग होता है? वो मौके के हिसाब से बदलती रहती है। उनसे पूछिए ना सवाल जो पार्टियां बदला करते हैं। अरे सर जो टेस्ट करके आ गया उससे बेहतर जान सकूंगा ना सर, जो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह टेस्ट कर रहा है वो तो जस्टिफाई करेगा
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप टेस्ट करके आ गए। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, ये सवाल उनसे पूछिए ना जो पार्टियां बदला करते हैं। अरे आप बात सुन ही नहीं रहे सर, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि आप क्योंकि चख के छोड़ के आ गए हैं तो आप फिर भी सच्चा अनुभव बताएंगे। जो एक जगह चख के दूसरी जगह चख रहा है वो तो जस्टिफाई ही करेगा। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या राजनीति का यही संस्कार होता है? मैं ये कहता हूं रोहित, मेरा ये कहना ये है कि जो एक पार्टी के कुर्सी पर बैठकर बीजेपी को गालियां दिया करते थे और खुलेआम गालियां दिया करते थे, आज वही बैठकर बीजेपी की तारीफ करते हैं। ओके, तो उनसे पूछो ना उनका अनुभव क्या है। ओके, गौरव भाटिया बोलिए फटाफट। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, हमारे साथी हैं, दिहाड़ी की बात करी थी भाई, दिहाड़ी लेना और रोहिंग्या के चंदे से जो पत्रकारिता करे वो यहाँ पे जो है ज्ञान ना बांटे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अभिव्यक्ति की आजादी की बात आज नहीं करी, आज आपने महिला अस्मिता की बात नहीं करी, उच्च न्यायालय के आदेश को आपने नहीं पढ़ा। और हाँ, पार्टी छोड़ना अच्छा है, असूलों को मार देना, पत्रकार रह के पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करना, और सबसे बड़ी बात है जिस संगत में व्यक्ति रहता है वैसी ही रंगत आती है, खरबूजे को खरबूजा देख के रंग बदलता है। और इसीलिए आशुतोष जी से ज्यादा ये कोई नहीं जानता है, जब पत्रकार थे तब क्या करते थे और आजकल किसी पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं। मेरा सवाल केवल इतना होगा कि कंगना रनौत के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया, क्या आशुतोष जी जैसे व्यक्ति उसका समर्थन करते हैं? अरे 30 साल हमारे साथ रहे तो सही थे, आज वो क्या कर रहे हैं इस पे चर्चा आप करेंगे या नहीं करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और रोहित जी एक बात और कह दूं, मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं आशुतोष जी, मुझे गर्व है कि मैं एक गंदे नाले से निकल के आज पवित्र गंगा में आ गया हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने का मौका मिल रहा है। जी आप अपनी चिंता करिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए और इस मुद्दे पे बात करिए। ओके आशुतोष बोल लीजिए फटाफट, फिर संजय राउत ने क्या कहा वो सुनवा देंगे जल्दी से। आशुतोष रोहित जी, रोहित मैंने तो गौरव भाटिया का नाम भी नहीं लिया था और गौरव भाटिया ने उसको व्यक्तिगत लिया, मैंने तो ये कहा था एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आने वाले लोग जो है क्या उनके बारे में बात कर रहा था, मैंने गौरव भाटिया का नाम आपने नाम नहीं लिया था, लेकिन आपने किसको कहा था ये तो सब समझ ही गए ना सर। बुलाया आप बताइए सही है या गलत, आप पहले जख्म के नमक छिड़के अगर आज की दिहाड़ी की चिंता नहीं है तो बोलिए बात पूरी कर लेने। अच्छा ठीक है ठीक है, देखिए डिबेट कंगना पे है, गौरव भाटिया के पार्टी छोड़ने या आशुतोष के पार्टी छोड़ने पे नहीं है, इस बात को याद रखते हुए बोलिएगा। ओके लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, मैं घर की महिलाओं का जिनका मैं सम्मान करता हूँ उनको कोई हरामखोर बुलाए आप सुन पाएंगे आशुतोष जी? ठीक बताइए, अब गौरव जवाब दे रहे हैं, अब सुन लीजिए गौरव जवाब दे रहे हैं 30 सेकंड। गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, फिर मैं घड़ी चला दूंगा, देखिए एक एक मिनट बोलो, केवल दूसरे की आवाज बंद रहेगी, ऐसा मत कीजिए ना, एक एक करके बोलिए। अभी गौरव भाटिया जी ने ये कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बहुत गंदे नाले से निकलकर पवित्र गंगा में आ गया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, इनके पिताजी आजीवन उसी गंदे नाले में थे, ये शायद भूल गए इस बारे में। तो जब आप आपने बदल दी मत लाइए, वरना अभी आपके पूरे काशीराम का थप्पड़ पड़ेगा, मुंह पे सही हो जाएंगे, समझे आशुतोष? काशीराम का थप्पड़ दोनों कानों पे पड़ेगा, सही हो जाएंगे। भाषा की मर्यादा रखते हुए एक सेकंड रुकिए, दोनों रुकिए, आवाज डाउन कर रहा हूँ ये बताते हुए कि कंगना और संजय राउत के बीच में मामला क्यों बिगड़ा। वहां भी तभी बिगड़ा जहां बात ये आ गई कि महाराष्ट्र किसी के बाप का थोड़ी ना है, और संजय राउत ने कह दिया कि तुम्हारा बाप मराठी है तभी तुम मुंबई कर हो सकते हो। अब इसलिए माता पिता परिवार एक दूसरे को इस तरीके की टिप्पणी करने से बचें। संजय राउत का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, दो मेहमान और हैं उनसे भी बात करेंगे। सुनवाते हैं संजय राउत ने क्या कहा कंगना रनौत के मामले को। और बड़ा हो गया, हम सब लोग यहाँ जो आते हैं बाहर से भी आते हैं, मुंबई में महाराष्ट्र में बसते, हमने किसी को नहीं कहा कि आप बाहर जाइए। आप हमारा इतिहास देखिए, आप मुंबई में आइए, आप महाराष्ट्र में आइए, आप काम करिए और मुंबई और महाराष्ट्र को अपना मान लीजिए, यही हमारी भूमिका रही ना, और क्या है। आप मुंबई देखो, लाखों प्रवासी मजदूर बाहर चले गए लॉकडाउन में, हमने उनकी बहुत मदद की, और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाखों प्रवासी मजदूर वापस मुंबई महाराष्ट्र में क्यों आ रहे हैं? उनको विश्वास है मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, हम सब के बारे में। एक विश्वास और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में।
अगर आपको विश्वास नहीं हमारे ऊपर, तो जो आता है वो वापस जाता है, वापस नहीं आता। लेकिन सर राजनीति तो संवाद का नाम है, और आपसे बढ़िया संवाद करना शायद कोई जानता हो, तो आप लोग क्यों नहीं कंगना से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? इसमें क्या? देखिए, आपके दिमाग से कंगना का वही निकाल दीजिए। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे तमाशा ही करना है किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में, तो करते रहेंगे, उसके पीछे हम क्यों भागे? आप जो मीडिया है, मीडिया के पास दूसरा कोई इस देश में प्रश्न नहीं है क्या, समस्या नहीं है क्या? आप उनके ऊपर मुझे कोई नहीं सवाल पूछते। तो संजय राउत कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें, उन पर सवाल क्यों नहीं पूछते, कंगना राणौत पे क्यों पूछते हैं? तस्लीम रहमानी, 40% केस कोरोना के कहां से आ रहे हैं? महाराष्ट्र में कोविड को लेकर क्या स्थिति है? लेकिन उद्धव ठाकरे तो अपनी पीठ थपथपा कर चले गए आज, ना उन्होंने कंगना पर बोला, ना उन्होंने नेवी ऑफिसर पर बोला, शिवसेना की गुंडागर्दी पर कुछ नहीं बोला। और संजय राउत कह रहे हमसे कुछ और नहीं पूछते आप, बोलिए रहमानी साहब। संगीत राजी, बर्निंग इश्यूज पर बोलना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को भी, ये बात तो सही है। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ रोहित। हाँ। एक सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड था, वो पहले मर्डर के शुबे में पूरा का पूरा टाइम वो कंज्यूम करता रहा, उसमें कुछ नहीं निकल पाया, वो ड्रग माफिया की तरफ चला गया। अब वो ड्रग माफिया में भी जितने लोग इन्वॉल्व होने थे हो गए। अब ये उठा के पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया कंगना की तरफ। कंगना एक मजलूम औरत हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि उनका घर तोड़ा गया। क्या हिंदुस्तान में अकेले कंगना एक मजलूम औरत है? कितनी औरतों का रेप हुआ है, बच्चों का, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हुआ है। अक्सर ये बीजेपी के एमएलए और एमपीज उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और उनको उनको प्रताड़ित किया गया, उन औरतों को, उनके उन बच्चियों के, उनके परिवारों को कत्ल किए गए, पूरे के पूरे परिवार साफ कर दिए। सेंगर का मामला आपके सामने, वो मजलूम औरतें नहीं थी क्या? उनको लेके क्या टेलीविजन पूरे मुल्क का तो तमाम? मुझे रहमानी साहब एक बात बताइए, सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है टेलीविजन पर बैठकर ही ये कह देना कि टेलीविजन पर ये नहीं हो रहा। सुनिए ना रहमानी साहब सुन लीजिए ना, आप तो सुनते भी हैं, केवल बोलते नहीं है, वरना कुछ लोग तो केवल बोलते ही हैं। टेलीविजन पर बैठकर कह देना कि टीवी पर ये नहीं हो रहा, ये सबसे आसान होता है। सेंगर का मामला आपने क्या घर पे बैठ के उठाया था? यही आज तक पे बैठ के उठाया था ना सर आपने? जब सेंगर जेल गया तब आप यहीं बैठ के ताली बजा रहे थे ना सर? नहीं कर रहा हूं। जब सेंगर के खिलाफ कार्रवाई हुई, यहां से 50 बार डिबेट हुआ, तभी कार्रवाई हुई ना सर? तो फिर टीवी पर बैठ के ये कह देना टेलीविजन पर और कुछ नहीं चल रहा, आप कह रहे? वही कह रहा हूं मैं। अरे तो ये वही कह रहा हूं, तब यहां से उठाना पड़ा था। इन लोगों ने यहां पर प्रवक्ता बैठे हैं यहां बीजेपी के गौरव जी, आप पूछिए इनसे कि उस मजलूम औरत के लिए आपको आवाज उठानी पड़ी थी। आज ये एक औरत जो मजलूम, और मुझे बहुत साफ, मुझे बहुत पीड़ा है इसलिए मुझे साफ कहने दीजिए, ये बॉलीवुड के नशेड़ी और ये वुमेनाइजर और ये लूज कैरेक्टर लोग, ये काले धन पे पल्ले वाले और उसी से फिल्में बनाने वाले लोग, वो इतने बड़े कैसे हो सकते हैं कि हम चीन जैसी बड़ी समस्या को भी सब नजरअंदाज कर दें? हम अपने आपने तय किए, कैसे तय किया आपने कि मैक्सिमम वो हैं? कैसे तय किया आपने? हमारे पास बहुत बड़े इश्यूज हैं। नहीं, ये आपने कैसे तय किया कि सारे बॉलीवुड वाले मैक्सिमम वुमेनाइजर हैं, नशेड़ी हैं? कैसे तय किया आपने? लूज कैरेक्टर है, कैसे डिसाइड किया आपने? आप ही दिखा रहे हैं, आप ऐसे सुपर स्टेटमेंट दे देंगे कुछ भी? कब कहा हमने कि मैक्सिमम बॉलीवुड वाले ऐसे? कब कहा हमने बताइए? मिल रही है? नहीं, हमने कब कहा कि बॉलीवुड वाले मैक्सिमम ऐसे हैं? कब कहा हमने? पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता है टेलीविजन स्क्रीन पे किसी का, लेकिन जो आप, नहीं आपने हिम्मत है तो नाम लीजिए ना। स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं ऐसे कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, वुमनाइजर हैं, नशेड़ी हैं? आप देखिए, आप मुझे बताइए क्या कंगना जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि वो भी ड्रग्स लेती थी, रिया भी ड्रग ले रही हैं? अरे तो उसकी जांच हो रही है ना, अगर 2, 4, 5, 7, 10, 50 नाम भी आपके सामने अगर आ जाते हैं, तो इसका मतलब आप ये कह देंगे कि सारे बॉलीवुड वाले ऐसे हैं, मैक्सिमम उसमें वुमनाइजर हैं, उनके परिवार नहीं है क्या, उनके घर नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं है, ऐसे बदनाम करेंगे आप ये बोल के? एनसीबी कह रहे 90% लोग ड्रग लेते हैं। आपसे कहा एनसीबी ने? आपसे घर आके कहा एनसीबी ने कि 90% लोग ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड में? स्टेटमेंट सारे मीडिया में मौजूद है, सारे मीडिया में मौजूद है, मैं भी मीडिया की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मुझे कोई आकाशवाणी थोड़ी भी है कहीं से। आशुतोष,
किसी मीडिया ने कहा 90% बॉलीवुड वाले ड्रग्स लेते हैं, वुमनाइजर हैं, लूज कैरेक्टर हैं। नहीं नहीं, ये गलत स्टेटमेंट इन्होंने दिया, इनको गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तसलाम रहमानी साहब को आप एक बात समझना पड़ेगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग इस तरीके से हो सकते हैं, जो गलत हो सकते हैं, और हर इंडस्ट्री के अंदर गलत लोग हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, ये ठीक नहीं है, और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज फॉर दिस, दिस इज नॉट डन। बोलिए रहमानी साहब, बात वापस लीजिए अपनी। मैंने ये भी इसके साथ में कहा है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि पूरा का पूरा न्यूज इंडस्ट्री बंद हो जाए और इन लोगों को कुछ बंद नहीं हुआ है। ये कहना चाहता हूँ, आपके दिमाग की खिड़कियां बंद हुई है, केवल कुछ बंद नहीं हुआ। आपने बताइए, कुछ बंद नहीं हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी क्या आज मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ बंद नहीं हुआ है, केवल आपके दिमाग की खिड़कियां बंद हुई हैं। उनको खोलिए, थोड़ी हवा आने दीजिए, सब कुछ दिखने लगेगा। चीन भी दिखेगा आपको, कोरोना भी दिखेगा। हमारी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, क्या वो हर्षवर्धन ओखला में आपको नहीं आके बताते हैं कि आज 47 लाख केस हो गए? आप आज तक खोलते हैं तभी दिखता है आपको, चार चैनलों पे जब आपके बाप बैठते हैं जाकर कि बिहार में यही समस्या चल रही है, तो आप आज तक के वीडियो फुटेज लेकर बैठते हैं कि ये देखिए आज तक ने ट्वीट किया, ये वीडियो है, ये उनका रिपोर्टर वहां से दिखा रहा था, तब आप बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये मुद्दे हैं बिहार के। सपने में नहीं आता आपको सब कुछ? मैंने यही कहा, आप ही की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जब सब कुछ मेरी बुनियाद पर कह रहे हैं तो ये कहना बंद कीजिए कि टीवी पर और कुछ नहीं दिख रहा है। आप -23 की जीडीपी पे बहस करना नहीं चाहते सर, आप जो 15 करोड़ बेरोजगार लोगों पे बहस करना नहीं चाहते। दिक्कत ये होती है कि -23 की जीडीपी जब बहस होगी ना सर, मैं जेएनयू के प्रोफेसर को बुलाऊंगा, मैं इकोनॉमिस्ट को बुलाऊंगा, आप जैसे पॉलिटिशियन को नहीं बुलाऊंगा जो आधे मौलाना की तरह बात करता है और स्वीपिंग स्टेटमेंट पास कर देता है। आइए ना, कि आप बॉलीवुड वाले सारे वुमनाइजर हैं, लूज कैरेक्टर हैं, ड्रग एडिक्ट हैं। इकोनॉमी की डिबेट इकोनॉमी से करवाइए, इसमें क्या शक है? होती है, आप देखा कीजिए तो आपको पता लगेगा और काम आएगी बिहार के चुनाव में। ले जाइएगा उसका व्हाट्सएप पे काट के वीडियो बना के भेजिएगा लोगों को। संगीत रागी कंगना रनौत के साथ अगर महाराष्ट्र की सरकार ने ये बर्ताव नहीं किया होता तो क्या उसको राजनीतिक तूल देने का मौका मिलता किसी को? तस्लीम रहमानी जी को जरा सा शांत कर दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। शांति है, देखिए तस्लीम रहमानी जी ने कहा कि कंगना पर बातचीत क्यों की जा रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अरे स्वीडन में के अखबार में एक प्रॉफिट पर कार्टून छपता है और अहमदाबाद में और कलकत्ता में और लखनऊ में दंगे करके हिंदुओं का आप घर जला देते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, कहाँ का प्रॉफिट कहाँ आपको लेकर भाई? अखबार स्वीडन का आग लगाते भारत में, कहाँ टर्की में खलीफा को हटाया जाता है, भारत को आप जहन्नुम बना करके छोड़ देते हैं, और आप कहते हैं कि कंगना पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कंगना पे डिस्कशन होना चाहिए तस्लीम रहमानी जी। और आशुतोष जी, आपके लिए एक बात करनी है, जब आप पत्रकार थे तो आपका आपकी रंगत अलग थी, और जब आप राजनीति में गए तो आप ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और संघ कार्यालय के गेट तड़प तड़प करके और मारपीट करने के लिए उतर आते थे, वो उनका चेहरा अलग होता था। और मैंने पर फिर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर शिवसेना के गुंडई का जरूर छींटा पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र नहीं रहा है। और मैं कल भी कहा था कि हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड मिलता है तो तेजाब बन जाता है, और सोडियम के साथ मिलता है तो नमक हो जाता है, जिसको हम उपयोग में लाते हैं। एक अन्य बात और मैं कहूंगा, कंगना के साथ जो हुआ है वो क्या कोई भी सभ्य समाज का आदमी या कोई भी लोकतांत्रिक देश इस प्रकार की चीजों को इजाजत दे सकता है? मुझे लगता है कि आशुतोष को किंतु परंतु कर करके और बाकी उनको शिवसेना के पक्ष में खड़े होने के बजाय और पुरानी चीजों को खोदने के बजाय इस मुद्दे पर अपने आप को अपनी राय प्रकट करनी चाहिए, न कि इस बात पर कि शिवसेना 20 साल पहले क्या कर रहा था। अरे 20 साल पहले तो आप अच्छी तो दी संगीत रागी जी, उन्होंने कहा तो कि कंगना के साथ गलत हुआ, गाली दे रहे हैं, उन्होंने कहा तो कि कंगना का घर तोड़ा गलत किया, गलत तरीके से तोड़ा गया, रखी तो उन्होंने राय। रोहित जी आज आपने बुलवा लिया, यही परसों ये दूसरी बात बोल रहे थे, मैंने आपके आज तक देख रहा था, और कंगना के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे थे जो उद्धव ठाकरे और उनके संजय राउत जैसे ही थे, उससे कोई अलग नहीं था। वो बात यही कर रहे थे कि इस देश में इतने मजदूरों के टूटे गए, इतना और प्रॉब्लम है, चाइना प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हटाने, अरे कर लो ना भाई, उसी पर डिस्कशन कर लो। लेकिन क्या कंगना के साथ जो किया गया उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए? ओके आशुतोष सर, गौरव भाटिया के पास आ रहा हूँ। रहमानी साहब आप तो रहने दीजिए,
अभी थोड़ी देर में पता नहीं सारे पत्रकारों को आप नशेड़ी गंजेड़ी बता देंगे वरना, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगी कोई बात तो, जैसे आपने सारे बॉलीवुड को एक एक लाइन में कह दिया स्वीपिंग स्टेटमेंट देके कि 90% बॉलीवुड वाले ड्रग एडिक्ट हैं, नशेड़ी हैं। मैं देश की बात करता रहा और ये कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिटी आप वही काम करते हैं, आपकी आग लगाते हैं तो हम क्या करें? अच्छा एक सेकंड रुकिए ना, नहीं नहीं रुकिए जरा, आप आग लगाते हैं तो हम क्या करें? लोगों के बारे में क्या आग नहीं नहीं अभी 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 सर कर दूं कि आपके धर्म वाले लोग आग लगाते हैं? सर एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए 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 परसों आप क्या है, परसों आपने कत्ल किया है केरल में हमारे कैरेक्टर खिलाफ। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए ना, रुक जाइए एक सेकंड, आपके लोगों ने कत्ल किया है एक सेकंड रुक जाइए। हत्या हत्या और एक धर्म को विध्वंस का आधार बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं बार बार इसको कहता हूँ, किसी ने नहीं बनाया। अच्छा ठीक है चलिए रुकिए दोनों, अब रुकिए जरा दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। ओके संगीत जी और रहमानी साहब एक चीज जरा अपने दर्शकों को बता दें कि हमने उनसे आज वादा किया था कि आज की बहस होगी दिल्ली दंगे की जांच को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट से अब राजनीति का एक नया तूफान आ गया। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव समेत कुछ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम इसमें आ गए। वैसे दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि येचुरी और योगेंद्र यादव दंगों के आरोप नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनके नाम लिखे जाने पर भी राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। येचुरी और योगेंद्र यादव दोनों ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को राजनीतिक बताया है और कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को इस पर घेरा है। हमारे साथ कांग्रेस से अभिषेक भट्ट और दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी एलन राव, वो दोनों भी इस चर्चा में शामिल होंगे, उनसे भी एक एक कमेंट लेंगे, लेकिन उनसे कमेंट लो उसके पहले वो कनेक्ट हो। अभिषेक जी हैं हमारे साथ, अभिषेक जी दिल्ली दंगे की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कांग्रेस पार्टी को यह क्यों लगता है कि योगेंद्र यादव सीताराम येचुरी, हालांकि पुलिस कह रही है इनके नाम नहीं है, केवल चर्चा में इनका नाम आया था, किसी ने कहा कि ये ऐसा बोल रहे थे उसका जिक्र लिखा है, ये आरोपी नहीं है, फिर भी कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये भाई फर्जी बना रहे? मैंने अभी एक ट्वीट देखा है दिल्ली पुलिस का कि जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इनके नाम नहीं है, परंतु दुख इस बात का है गुलशिया फातिमा जो कि अक्यूज्ड है इस केस में, उसने एक स्टेटमेंट पुलिस को दी और उसी के आधार पे पुलिस ने पूरी की पूरी एक तैयारी कर ली। इन सब लोग जो कि वहां पे उस समय पे थे या नहीं थे ये इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट है, परंतु उन सबके नाम को इंक्लूड करने की, एक एक्यूज जो अभी पुलिस कस्टडी में है, मैं सीताराम का या किसी और का प्रवक्ता बनके बात नहीं कर रहा, परंतु दुख इस बात का है कि पिक एंड चूज इन्वेस्टिगेशन इस केस के अंदर होती है। एक जज महोदय जब किसी सीडी की बात कोर्ट में करते हैं तो उनका तबादला हो जाता है, कई लोग जो कि फेसबुक पे आके मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े भड़काने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं, उनको एक बार भी तलब नहीं करा जाता। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप बिना इन्वेस्टिगेशन करे चार्जशीट फाइल मत कीजिए। क्या आपने अब तक उन लोगों को बुलाया है जिनके बारे में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने जब बहुत स्ट्रॉन्ग संज्ञान लिया था, आज तक आपने एक बार उनसे नहीं पूछा? केवल आप इसमें एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं, इसमें आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तो जो कि इनका मोटिव है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभिषेक जी आप तो दिल्ली की राजनीति करते हैं, कपिल मिश्रा का नाम लेने से डर क्यों रहे हैं आप? किनका? कपिल मिश्रा का नाम लेने से आप डर क्यों रहे? मैं कपिल मिश्रा जी, प्रवेश वर्मा जी और अनुराग ठाकुर जी, मैं सभी का नाम लेने में, देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट बात करती है और मैं बताना चाहता हूँ वो नाम जो कि एक आपके जो जिन्होंने पीआईएल फाइल करी थी हरीश मंदार जी ने, जब कोर्ट के अंदर जब कोर्ट के अंदर उन्होंने सीडी दी जज को, तो जज ने तुषार मेहता जी को ट्रांसक्रिप्ट दी, आज तक उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? और मैं एक छोटी सी, आपने दिल्ली की बात करी है, मैं माफी चाहूंगा एक छोटी सी दिल्ली की बात करना चाहता हूँ। कंगना रावत जी के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परेशान है। दिल्ली में 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि 45,000 झुग्गियों को रेलवे किनारे तोड़ा जाएगा। इन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की चिट्ठी गई थी कि जा झुग्गी जा मकान, आज की डेट में ना एलजी महोदय उनसे मिलते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता इन 45,000 लोगों के बारे में। गौरव भाटिया से इस पे कमेंट लेता हूं, उसके बाद वापस आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि ताहिर हुसैन को आपके हिसाब से क्लीन चिट है या नहीं है, क्योंकि ताहिर हुसैन को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। गौरव भाटिया फटाफट से, दिल्ली दंगे की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो नाम शामिल किए गए हैं, हालांकि पुलिस कह रही है वो आरोपी नहीं है, लेकिन क्या आप जानबूझ के इंटिमिडेट करा रहे हैं लोगों को जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं? बोलिए गौरव भाटिया, फिर आशुतोष के पास चलेंगे। बोलिए। धन्यवाद रोहित जी। रोहित जी थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। हाँ। पहले तो एक सिर्फ टिप्पणी पहले भाग के बारे में करना चाहता हूं। जो लोग कह रहे हैं कैरेक्टर ढीला,
मैं उनसे कहूंगा कि शायद उन्होंने भी कभी जो वोट फॉर कैश की जांच हुई थी उसमें बेच के अपने वीडियो टेप और घर बनवा लिए, तो किसका कैरेक्टर ढीला है किसका नहीं है इस पर टिप्पणी ना करे तो बेहतर है। और जो बात अभी अभिषेक जी ने कही, अब मैं उसका उत्तर देता हूं और विधिक रूप से अभिषेक जी आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। ये लोग जो हैं ये क्या कानून से ऊपर हैं भारत के? एक स्टेटमेंट लिया जाता है, स्टेटमेंट में सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव और कई और लोगों का नाम आता है, कुछ लोग पिंजरा तोड़ जो संगठन है उससे है। अरे पिंजरा तोड़ नाम है, भारत तोड़ नहीं है। तो अगर किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या वो स्टेटमेंट बदल दिया जाएगा कि इन लोगों का नाम ना आए? दूसरी बात, चार्जशीट में ये आरोपी अभी नहीं बने, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। तीसरी बात, आप मुझे बताइए विरोध किस बात का है? अभी मैं देख रहा था सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव जी का कहना है ये शांतिपूर्वक किया गया। रोहित जी जरा ध्यान दीजिएगा, शांतिपूर्वक 400 बार छुरा भोंका गया अंकित शर्मा को, ये बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। उसके बाद गाली दी गई, शाहरुख ने पिस्तौल निकाल के तान दी और फायरिंग करी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। और बुर्का पहने महिलाओं ने पत्थर मारे पुलिस पे, पुलिस वाले घायल हो गए, बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। अरे ये कानून संसद में पारित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, स्टे नहीं हुआ, और उसके बाद पुलिस अपना काम कर रही है, तो ये सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए गलत हो रहा है। कंगना रनौत के मामले में इनके मुंह में दही जम जाती है, उसमें नहीं आते, इसमें कहते गलत है। और तीसरी बात, अगर आपको लगता है भाजपा का कोई नेता गलत करता है, कानून तोड़ता है, फरवरी की यह घटना है, आपके पास 6 महीने थे, न्यायालय जाके आरोपी क्यों नहीं बनवा लिया अभिषेक की? आपने कांग्रेस पार्टी के क्या दम नहीं है? न्यायालय सलमान खुर्शीद है, कपिल सिब्बल है, रोहिंग्या के लिए खड़े होते हैं, बनवा लीजिए इन लोगों को आरोपी अगर हिम्मत, ओके, तब आप नहीं जाते हैं। तो ये दोहरी राजनीति छोड़िए, कानून संविधान और न्यायालय में अपनी आस्था रखिए, यही बेहतर। ओके आशुतोष जी, आशुतोष जी, प्रोफेसर अपूर्वानंद को तो फिर भी जांच के लिए बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई, आपके मित्र हैं, आपको बुरा लगा समझ में आता है, योगेंद्र यादव भी आपके मित्र हैं, उनका भी आपको बुरा लगा समझ में आता है, लेकिन नाम तो नहीं आया उनका चार्जशीट में, तो केवल जिक्र है। सीताराम येचुरी का भी केवल जिक्र है, वो आरोपी तो नहीं बनाया गया अभी तक। नहीं रोहित, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हिंदुस्तान में आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाले जूलियो रिवेरो ने एक चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, और उनको इस बात का एहसास दिलाया है कि संविधान से जब आप शपथ लेते हैं तो आपकी मर्यादा और आपकी निष्ठा किसके प्रति होती है? आपकी निष्ठा किसी सरकार के प्रति नहीं होती, आपकी निष्ठा रूल ऑफ लॉ के प्रति होती है, और आपकी निष्ठा संविधान के प्रति होती है। और उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये कहा है कि ये देशभक्त लोग हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जूलियो रिवेरो ने कहा है, और जिनको जूलियो रिवेरो पे सवाल खड़े करना, अगर उनकी हिम्मत है, उनकी हैसियत है, तो जूलियो रिवेरो इनसे कहिए जरा ये बदतमीजी बंद करें, इस आदमी की बोलिए ना, गौरव आप बोल रहे थे वो सुनते रहे चुपचाप, उन्होंने कुछ नहीं बोला, गौरव जी उत्तर लेने के लिए मैं आऊंगा ना आपके पास, अभी उत्तर लेने के लिए भी आऊंगा आपके पास। क्या ये फीता लेके आते हो गौरव जी? जब उत्तर लेना होगा पहले दिल्ली पुलिस का उत्तर देने के लिए एलन राव हमारे साथ हैं, वो देंगे उत्तर, उसके बाद राजनीतिक उत्तर आप दीजिएगा। ये हैसियत नापते हैं दूसरों की, अपनी हैसियत देखिए। गौरव जी आप भी हैसियत नाप रहे थे जब कह रहे थे कि सीढ़ी रोक के मकान बना लिया किसी ने, सबको समझ में आता है कौन क्या बोल रहा है, अगर हमें उनका समझ में आ रहा था वो किसके लिए बोल रहे हैं पार्टी बदलने के बाद, तो आपका भी समझ में आ रहा था। प्लीज जो बहस का विषय नहीं है सर उसको नहीं लाना चाहिए बहस में, जो बहस का विषय उस पर रहना चाहिए, आपके पास आऊंगा तब बोल लीजिएगा। जवाब देना चाहता हूं रोहित, हाँ प्लीज दीजिएगा, पहले वो पूरा कर लें फिर दीजिए, आशुतोष पूरा कीजिए। ये इनको इनको अगर संस्कार नहीं है तो जाके संस्कार सीखिए आशुतोष जी, अब फिर संस्कार सीखिए, सोनिया गांधी से सीखिएगा, चलिए 100 रुपए की दिहाड़ी लीजिए, संस्कार सीखिए, बेकार की बातें मत करिए चैनल, ठीक है? आप लोग लड़ लीजिए, पहले अगला 60 सेकंड आप लोग लड़ लीजिए, छोड़ देता हूँ घड़ी चला के, लड़ते रहिए दोनों। मैं ये कह रहा हूँ जूलियो रिवेरो इस देश के सबसे प्रतिष्ठित आईपीएस ऑफिसर्स में से एक है। अगर ये है कि जूलियो रिवेरो को अगर ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में जो दंगा हुआ है, अगर उस दंगे में गलत इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस दंगे में मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है, तो ये दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्र सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, ठीक है? चर्चा एलन राव साहब, पहले एलन राव दिल्ली पुलिस की तरफ से बोलेंगे। एलन राव पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं।
एलन राव वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का ही अगर कोई अधिकारी पूर्व रिटायर के होने के बाद लिख रहा है कि दिल्ली पुलिस देशभक्त लोगों को फंसा रही है, संविधान के प्रति उसकी आस्था नहीं, सरकार के प्रति है, तो क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी ऐसे कोई संविधान के खिलाफ कोई बात करे तो वो बात तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि दिल्ली पुलिस के कोई रिटायर अधिकारी ने ऐसा कुछ। रुबेरा कभी हमारे कमिश्नर पुलिस रहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा दिल्ली पुलिस के लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। जहाँ तक यहाँ पे चार्जशीट की बात है, जैसे आप बात कर रहे थे कि इन लोगों के नाम है, येचुरी साहब के नाम है, योगेंद्र यादव साहब के नाम है, उनका कोई नाम कोई मुलजिम नहीं बनाया उनको अभी तक, कोई अक्यूज की कैटेगरी में नहीं है वो उनका जिक्र है क्योंकि केस में उनमें नाम आया है तो उसका नाम उसमें आ गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुलजिम हो गए हैं। और जब तक कोई आदमी को पुलिस इंटरोगेट नहीं कर ली या पुलिस पूछताछ नहीं कर लेगी किसी केस में, तब तक उसको कोई चार्जशीट का कोई हिस्सा नहीं बन सकता वो। तो ये कहना कि उनके उसको इसको पोलिटिसाइज करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये केस की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एलीट ब्रांच है, एलीट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके ऊपर कोई सवाल उठाना और उसको राजनीति करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता किसी को भी। तो मैं नहीं समझता हूँ दिल्ली पुलिस के बारे में ऐसा कोई बोले तो ठीक बात नहीं है। तस्लीम रहमानी बोलिए। ये मूवमेंट में मौजूद थे, चाहे वो जाफराबाद के हैं या नहीं है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हैं या नहीं है, रोजाना बुला के बिठाया जा रहा है, आज कल तक बुला के बिठाया गया है, कल भी बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है भाई? तो इन्वेस्टिगेशन में किसी को इन्वेस्टिगेशन में करना होगा तो बुलाना होगा, ये राइट है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, बुला के उसको पूछताछ करना। सरकार दोनों को एक क्यों कर रही है? 2500 जगहों पर एनटीसीए मूवमेंट का सिट इन हुए, और लेकिन दंगा सिर्फ एक जगह हुआ, लेकिन आप पूरे देश के मूवमेंट को दिल्ली दंगे से जोड़ देना चाहते हैं और टेररिस्ट हैरेस कर रहे हैं उन लोगों को जो सीए के खिलाफ मूवमेंट में खड़े थे। क्या तकलीफ है आपको? क्यों आप डेमोक्रेसी को देखना पसंद नहीं करते? क्या गलत है अगर कोई किसी बने हुए कानून के खिलाफ सड़क पे आके कोई अपनी बात कहना चाहता है, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? टॉलरेंट आप क्यों नहीं है? आखिर सरकार अपोजिशन को अकोमोडेट क्यों नहीं करना चाहती? सबको उठा के एक लकड़ी, और अब मजाक बन गया है ये चार्जशीट, अपने आप में मजाक बनती चली जा रही है। आसमानी साहब, ये मजाक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन को की जाती है वो मजाक नहीं होता है, तथ्यों के आधार पर बात होती है इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट में जवाब देना होता है पुलिस ऑफिसर को, ऐसे मजाक में कोई बात नहीं होती है, कोर्ट में जाके बोलना पड़ता है, रहमानी साहब कोर्ट में एविडेंस दिखाना पड़ता है, ऐसे मजाक में कोई बात नहीं होती है, इसको आप पॉलिटिसाइज ना करिए। आप बड़े से बड़े दिल्ली के बड़े लीडर जो अपोजिशन के फेसेस हैं, मेन फेसेस हैं, उन सबको अगर रहमानी साहब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे अभी तक आपको बुलाया कि नहीं पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक बार भी? अभी तक तो नहीं बुलाया। तो इससे साफ होता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्योंकि आप जिस पीएफआई से आपका संगठन ताल्लुक रखता है उसके ऊपर तो सबसे पहले आरोप लगा कि ये भड़का रहे चीजों को। ये और भी ज्यादा हास्यास्पद है, ये और ज्यादा हास्यास्पद है। हर जगह भाषण दे रहे थे फिर भी आपको नहीं बुलाया गया अभी तक, और आप कह रहे हैं कि सात दिन का रोल नहीं, उनको बुला लिया गया। आप हर जगह भाषण दे रहे थे सर, आपने तो खुद टीवी पे बैठ के कहा था कि मैं एक कॉल करूं 25,000 लोग इकट्ठे कर दूंगा, भूल गए क्या? यहीं बैठ के कहा था हो जाएंगे अब। और अगर ये जुल्म बढ़ता चला गया जिस तरीके से, जुर्म नहीं है स्वानी साहब, पीएफआई के खिलाफ सबूत है, कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम करने वाले खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करना कोई जुर्म नहीं है। बोलना चाहते हैं उसके पहले गौरव भाटिया की बात अधूरी रहेगी जो जवाब दे रहे थे आशुतोष को, नहीं तो इस किस्म का कोई मूवमेंट रिवाइव होगा। रहमानी साहब मैं फिर कह रहा हूँ, रहमानी साहब वो तो आप उस दिन से ही कोशिश कर रहे हैं जिस दिन कोरोना आ गया देश में और सीएए का आंदोलन बंद करना पड़ा आपको, आप तो उस दिन से कोशिश कर ही रहे हैं कि दोबारा खड़ा हो जाए किसी तरीके से, पर खड़ा हो नहीं पा रहा। गौरव भाटिया, आशुतोष की बात का जवाब बिना किसी निजी टिप्पणी के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आपस में एक दूसरे पर निजी टिप्पणी ना करें, दोनों से निवेदन, फिर संगीत रागी के पास आ रहा हूं। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, आशुतोष जी ने जूलियो रिबेरो जी का नाम लिया, उनका सब सम्मान करते हैं, लेकिन जूलियो रिबेरो जी भी उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ताहिर हुसैन के लिए जो छाती पीट पीट के कह रहे थे कि वो निर्दोष है, जिसमें अमानतुल्ला खान और कई पैनलिस्ट भी हैं, उनको आज तक बेल नहीं मिली है, ये सच्चाई है। दूसरों की हैसियत फीते से नापने से पहले देख लेना कि आपका जो छाती है वो हमारी कलाई से कम है, फिर भी आके आप ये सब बातें करते हैं। मैं केवल और केवल एक बात कहता हूं, अगर पार्लियामेंट में पारित है सीए, अगर न्यायालय बेल नहीं दे रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, आप कैसे इन सबसे ऊपर हो जाते हैं कि आप बताने लगते हैं कौन निर्दोष है कौन नहीं है? और वही जो मापदंड है
कंगना रनौत की बात आती है या किसी और महिला की बात आए, पीड़ित की बात आए, तो अगर आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करता तो आपके मुंह में दही जम जाती है। ये सारी परेशानी की वजह है रोहित। ठीक आशुतोष बोल लीजिए फटाफट, फिर संगीत रागी और अभिषेक भट्ट बोलेंगे। मैं आपने जूनियर रिवेरा का जिक्र किया, आशुतोष जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिएगा साथ में। आपने जूनियर रिवेरा की पूरी चिट्ठी का जिक्र किया कि उन्होंने ये सब कह दिया है। जूनियर रिवेरा कितनी बार गए घटनास्थल पर जांच करने के लिए, या आपके सत्य हिंदी के लेख पढ़ के उन्होंने तय कर लिया कि जांच ठीक नहीं हो रही है? नहीं, सत्य हिंदी अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ कि बेचारे हिंदी नहीं पढ़ते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, जूनियर रिवेरा पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ सक्सेसफुल लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और मैं अंग्रेजी में हिंदी में तर्जुमा कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन वह जानबूझ कर नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वालों के खिलाफ संज्ञेय अपराध दर्ज करने में विफल रही है, जिससे पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़क गए। इससे मेरे जैसे समझदार गैर राजनीतिक लोगों को पीड़ा होती है। कपिल मिश्रा अनुराग बता लीजिए को कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? हिंदी या सत्य हिंदी पूछिए रोहित केंद्रीय। आशुतोष जी अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपने चिट्ठी पढ़ी आशुतोष जी, अगर आप वाकई निष्पक्ष हैं जैसा कि आप दम भरते हैं, नहीं अगर आप वाकई निष्पक्ष हैं जैसा आप दम भरते हैं कि मैं निष्पक्ष हूं, तो आपको इस चिट्ठी में पक्ष क्यों नहीं नजर आता है? इस चिट्ठी में आपको क्यों नहीं लगता कि यह भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती है? क्यों नहीं लगता आपको? मैं जूलियर रिवेरो को आज से नहीं 35 साल से मैं उनको जानता हूँ। हिंदुस्तान का कोई भी पुलिस ऑफिसर, ऐसे मैं भी आपको 20 साल से जानता हूँ, लेकिन लोग कह देते हैं ना कि आप निष्पक्ष बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी 20 साल से आपको देखता हूँ टीवी पर, लेकिन लोग कहते हैं ना कि आप एक पक्ष ले रहे हैं केवल, दूसरा नहीं देख रहे। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जूनियर रिवेरा की इंटेग्रिटी ऑनेस्टी पर सवाल कोई नहीं खड़े करता, और अगर उन्होंने चिट्ठी ली है तो ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा, ठीक है, उनकी इंटेग्रिटी पे नहीं आज की इंटेग्रिटी पे सवाल है। आप न्यायालय जाके आरोपी क्यों नहीं बनवा देते? ठीक है, ओके। तीन टीवी डिबेट कम ले लीजिएगा संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, प्लीज संगीत रागी, आशुतोष जी प्लीज, आपस में नहीं ना, आपस में नहीं, संगीत रागी को सुन लेते हैं एक बार। आशुतोष के नाम से इतनी मिर्ची क्यों लगती है मुझे समझ में नहीं आता। सर एक सेकंड ना प्लीज, मेरे को इसलिए कि आपने क्या किया था सबको पता है। मैंने कैश फॉर वोट का जिक्र किया ना, टेप किसने बेचे थे हमें पता है, चैनल में रह के पॉलिटिकल पार्टी की मदद कौन कर रहा था हमें पता है। अच्छा एक सेकंड, इसलिए यहाँ बढ़ाइए। अच्छा ठीक है, गौरव जी हो गया, मर्यादा का पाठ मत बढ़ाइए। अच्छा हो गया, तीन टीवी डिबेट छोड़ दीजिए आशुतोष जी, न्यायालय में लगाइए, समय कम बचा है। अभिषेक भट्ट और संगीत रागी दोनों से एक कमेंट लेना जरूरी है मुझे, दोनों बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संगीत रागी अपनी बात बोलिए, फिर अभिषेक भट्ट के पास जाऊंगा। संगीत जी छोटा सा प्लीज, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है रोहित जी। जूलियस रिवेरा जो है वो यहाँ के तथ्यों से परिचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार, एक व्यक्ति के टिप्पणी के आधार पर उसके बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता। आशुतोष कोई निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, ये पूरा देश जानता है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा चिंतित करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। तीसरी बात, एक व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में सुन लीजिए जो कैसे होता है, कोई आदमी निष्पक्ष कैसे होता है ये बता दीजिए। सर सुनिए ना सुन लीजिए, एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था। आप इस मुल्क के सामने तो सही, एक को तो पूरा कर लीजिए, समय खत्म हो रहा, अभिषेक जी वेट कर रहे हैं। फिर भारत में कोई भी रहमानी साहब आपको सुना ना सबने, अब फिर आप बीच में। रोहित जी एक बुद्धिजीवी का वीडियो पूरा वायरल हुआ था, उसको मैंने भी देखा था, मैंने भी सुना था। वो एक प्रकार से इस देश में नागरिकों को और खास करके मुसलमानों को इस देश की सरकार, डरते क्यों हैं? हर्ष मंदिर का वीडियो था, बोलने से डरते क्यों हैं? फिर वो वायलेंस नहीं कर रहे, नाम लेने से डरते क्यों हैं आप सब लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता। अभिषेक जी लास्ट कमेंट है, ताहिर हुसैन को भी क्लीन चिट है फिर आपकी तरफ से कि भाई उनको भी फंसाया गया? ठीक है अभिषेक जी, ओके संगीत जी, अभिषेक जी ताहिर हुसैन को भी क्लीन चिट है कांग्रेस की तरफ से? गौरव भाटिया जी ने एक बात रखी कि मैं एक गंदे कीचड़ में था और मैंने गंगा जाके नहा ली और मैं सर वो पिछली डिबेट थी ना, दो अलग अलग विषय चल रहे हैं। सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स जो शाहीन बाग में दिल्ली में चुनाव से पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, 22 अगस्त को वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले सकते हैं। ऐसे कौन सा गंगा जल इनके पास है कि जो व्यक्ति किसी के कहने पर प्रोटेस्ट कर रहा है, लाखों रुपए का वहां खर्चा हो रहा है, और बाद में पूरी की पूरी टीम 22 अगस्त को आके भारतीय जनता पार्टी आपको लेना है वो गंगा जल, ज्योतिरादित्य से संपर्क होगा ना आपका? 28 मई
28 मई को बोलिए चार छींटे मार दें आप पर भी 28 मई को दिल्ली सरकार ने दो उसकी चिंता है आपके अपने पार्टी के एक एमएलए वकीलों को उन्होंने इस केस में सामने लिया तुषार मेहता जी को अमन लेखी जी को तो आप ये इनसे पूछिए ना कि ये आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो एक ही सिक्के के दो पहलू है स्वार्थ की राजनीति करते मिल जाते हैं उनसे सवाल समय समाप्त हो गया है समय समाप्त हो गया है आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और आज पी चिदंबरम ने ये बात कह भी दी कि जांच राजनीतिक तरीके से हो रही है जांच के तरीके से नहीं हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि दंगल में फिलहाल के लिए इतना ही है आज सवाल जवाब नहीं था छोटे से ब्रेक के बाद हल्ला बोलोगा अंजना के साथ आप देखिएगा आज। नमस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।